हेलो दोस्तों, लूसेंट जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में दोस्तों आपका वेलकम है। तो अभी तक दोस्तों स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, म्यांमार यानी कि बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो इसकी जो मुद्रा है दोस्तों म्यांमार की, वो है दोस्तों क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो वायुमंडल की जो परत है दोस्तों शोभ मंडल, उसमें होते हैं दोस्तों मौसम संबंधी परिवर्तन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर दोस्तों संसार का बड़ा सबसे बड़ा सागर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो इसे बोलते हैं दोस्तों महाभी निष्क्रमण बोलते हैं दोस्तों इस घटना को, ग्रह त्याग की घटना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद था दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो ये दोस्तों ये जो सिक्किम राज्य है उसकी दोस्तों जो सीमा है वो चीन से भी मिलती है, नेपाल से भी मिलती है और भूटान से भी मिलती है, यानी तीन देशों की सीमा के साथ लगा हुआ है दोस्तों भारत का सिक्किम राज्य दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है नथुला दर्रा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया दोस्तों अल हिलाल समाचार पत्र 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे दोस्तों महान चिकित्सक चरक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाता है दोस्तों? तो श्रीधर को कहा जाता है दोस्तों भारत में मेट्रो पुरुष दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष स्वतंत्रता के समय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मराठों और अब्दुल शाह अब्दाली के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आरबीआई के नियमों के अनुसार चेक और ड्राफ्ट की वैधता कितने समय के लिए वैध होती है? तो पहले ये थी दोस्तों 6 मंथ के लिए, तो अभी इसे कम कर दिया दोस्तों, अभी इसे 3 मंथ के लिए वैलिड कर दिया दोस्तों। चेक और जो ड्राफ्ट की जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ होती है दोस्तों। अगर आप किसी को चेक आज की तारीख में जारी करते हो तो वो 3 मंथ के लिए ही वैलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों NH7। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? NH7 हो जाएगा दोस्तों, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है दोस्तों, वो राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारे देश का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संगमरमर किसके परिवर्तित रूप है दोस्तों? तो चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है दोस्तों संगमरमर, यानी कि चूना और जो पत्थर है दोस्तों वो काफ़ी समय तक दोस्तों पृथ्वी की सतह के अंदर दबा रहता है दोस्तों, तो वो संगमरमर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर स्थित है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? तो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया दोस्तों चोरा चोरी कांड के बाद में महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? मालाबार का तट भी कहा जाता है दोस्तों केरल के तट को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है दोस्तों जैन अवस्था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था दोस्तों, और कब गाया गया था? कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन के
दौरान दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2O है दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र, जिसमें हाइड्रोजन तो दो होता है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी एक होती है, तो इसे H2O बोलते हैं दोस्तों पानी के सूत्र को। दोस्तों अगर दोस्तों लुसेंट जीके का ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए दोस्तों, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें, और कमेंट करके हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो दोस्तों।